मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए। उससे कौन छेड़ गई आपको ख्वाबों में? खन्ना जी मुझे छेड़ गई कल ख्वाब में सिमरन। सिमरन सिमरन छेड़ गई मुझे। फिर आपने गलत नाम लिया होगा ठेके वाले पर जाके, मैं बता रहा हूँ। सिमरन आपको सिमरन ऑफ कर दिया होगा। ये सिमरन नहीं है। सिमरन तो वही थी जो आपकी क्लास में थी या पिक्चर में थी। यार हम तो देखो यही कहेंगे कि हमें तो सिमरन छेड़ गई, अब तो आप सिमरन ऑफ कहो। ये ना वो इंग्लिश की दिक्कत है, रहेगी मेरे साथ हमेशा रहेगी। कोई बात नहीं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका टेस्ट करें आज? बिल्कुल करते हैं। चलो, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये है गुप्ता जी और ये है खन्ना जी। गाइस आज हम आपको टेस्ट करके बताएंगे सिमरन ऑफ और मेरी सिमरन का। ठीक है, आपके सिमरन का टेस्ट तो आपने किया ही होगा। नहीं, इसका तो हम कई बार किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ तो इसी का टेस्ट करके बताएंगे हम। बढ़िया वोट का है, ऐसी बात नहीं। हाँ बढ़िया वोट का है, कोई दिक्कत नहीं है। गुप्ता जी वैसे इस मूवी के सारे गाने फेमस थे सारे। हाँ सारे फेमस थे। वो गाना था एक मेहंदी लगा के रखना। वैसे गुप्ता जी मेहंदी से एक बात याद आ गई। क्या? आपको पता है बीवियां जब भी मेहंदी लगाती है अपने हाथ पे तो उसमें अपने पति का नाम लिखवाती है। हाँ क्यों लिखवाती है? उम्र लंबी हो पति की। नहीं, ताकि हमेशा अपने पति को मुट्ठी में बंद करके रख सके, हो काबू में रहे। मतलब बहाना मारते हैं कि लंबी उम्र हो या कुछ ऐसा हो, प्यार करते हैं। हाँ समझ आया। अच्छा वैसे आप इतने काबू में हो तो ये फोन करके पूछोगे खोले हम ना खोले? अरे कोई डर थोड़ी है, चलो चलो, इतना नहीं डरते हम। नहीं डरते? हाँ, दारू के लिए कोई डर नहीं है। चलो चलो, खोलने से पहले इसके बारे में बताओ पहले कुछ। गुप्ता ये देखो, इस पे लिखा ही हुआ 1864 में बनी है और ये है रशियन वोडका। अच्छा रशिया की है? हाँ, आपकी फेवरेट। हाँ रशियन तो फेवरेट वोडका है हमारी, पता है मुझे रशियन तो फेवरेट। वैसे अल्कोहल इसमें लिखा 42.8%। अच्छा बाकी टेस्ट करते हैं इसको। टेस्ट करते हैं। प्राइस बता दूं पहले इसका? हाँ, प्राइस बता दो। गुरुग्राम में तो है 550 की। ठीक है, और दिल्ली में अप्रोक्सीमेट 900 रुपए की। गुड़गांव बोल दो, गुरुग्राम कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यार, अब नाम चेंज हो गया ना गुरुग्राम। कोई बात नहीं, गुड़गांव चले। चलो चलो आओ पिए फिर। पहले तो स्मेल करें। तेज है इसकी तो। हाँ हल्की सी तेज स्प्रिट जैसी वो आ रही है, पर एब्सोल्यूट से पहले वो चलती थी। हाँ सस्ती वोट है ना, ये अभी भी उससे ज्यादा चलती है। एब्सोल्यूट तो महंगी है ना, जो चीज सस्ती होगी देखो वो ज्यादा चलेगी, उसमें कोई वो नहीं है। मीठे मीठे खुशबू आ रही है, लेकिन कोई पहली बार में तेल लगी अभी ना। आओ टेस्ट करें। करो कर। हल्की सी स्वीट है, बाकी ऐसा कोई वो नहीं। ऐसा कोई वो नहीं है ना, सही है। मतलब कि थोड़ा सा लग तो रहा है जैसे गरम गरम सा पी लिया। हाँ गरम गरम वोडका, वोडका का लगता है कि थोड़ा सा जलता है ना। जलता ही है, बाकी सब पेंटा में पियेंगे आज। हाँ औरतें इसी में पीती हैं। हाँ लेडीज इसी में पीते हैं, तभी हम आज शादी वाली में जाती हैं, छुपा कर डाल लेती हैं। हाँ ये फेंटा में पी रही हैं, ये कभी फेंटा पी रही हैं। सही बात है, पता नहीं लगता सास ससुर को क्या पी गई। अच्छा जी आप इतना भी ध्यान देते हो? अरे सब ध्यान देना पड़ता है। चलो भी ले आप तो ले, लेडीज वाली पी लें फिर आज। फेंटा ही लग रही है। फेंटा ही लग रही है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका अपना ऐसा कोई टेस्ट नहीं है ना, प्लेन वोडका है ये। हम प्लेन लाए, बाकी और फ्लेवर भी आते हैं लेकिन प्लेन लाए आज हम। तो सही लग रही है, फेंटा में भी ऐसी बात नहीं है, स्प्राइट में ज्यादा अच्छी लगती है। स्प्राइट में अच्छी लगती। खन्ना जी वैलेंटाइन निकला है, कहाँ लेके गए थे भाभी जी को? या फिर वही कांड हो गया? आपके साथ कांड बहुत होते हैं ना। हाँ होते रहते हैं गुप्ता जी। क्या हुआ? अरे बीवी ने पूछा कि वैलेंटाइन डे है फिर क्या प्लान है, ना अब तो उसकी शादी होगी, क्या प्लान बनाना उसके साथ। यार कसम से आप ना मतलब बोले इतने, कोई भी बेवकूफ बना सकता आपको वैसे। गुप्ता जी शुरुआत तो मेरे ससुराल वालों ने करी है मेरे साथ बेवकूफ बनाने की। आप तो पिटे ससुराल में, बात आ गई ना आप तो पिटे। कोई बात नहीं गुप्ता जी, चलता है इसको, चला आगे बढ़ाते हैं कहानी को। खन्ना जी वोडका कैसी लगी, रेटिंग दो इसे। रेटिंग मेरी तरफ से तो इसको 8 है। अच्छा अच्छी वोडका है, काफी चलती है और बढ़िया वोडका है, इंडिया में बहुत चलती है। प्राइस वाइज मतलब अच्छी वोडका है, एक्चुअली थोड़ी महंगी रेंज में आ जाती है, 550 की है तो अच्छी रेंज है। मेरी भी इसको रेटिंग 8.5 है, बढ़िया वोडका है, प्राइस वाइज सही है। नहीं आपको नॉर्मली भी कभी पीनी हो तो वोडका पी सकते हो, अच्छी है। हाँ सही है। बाकी फेंटा में डाल के तो आपको बताया मैंने, लेडीज पीती है शादी में तो, आप तो कैसे भी हो, उन्हीं की फील ले रहे हैं आज, लेडीज की फील ले रहे हैं। सही बात है गुप्ता जी। गुप्ता जी वोडका ऐसी है दोस्तों पड़ोसियों सबके साथ पी सकते हो आप। यार दोस्तों तक तो ठीक है, पड़ोसियों की बात मत करो यार। आपने क्या पड़ोसी का कांड कर दिया? बस यार पूछो मत, बीवी ने एक दिन पूछा क्या कहते हैं, जब मैं मायके जाती हूँ तो आप बड़े उदास होते होंगे, मैंने बड़ा चढ़ा के बोल दिया जब पड़ोसन जाती है मैं तब भी बहुत उदास हो जाता हूँ। आपका अभी पिटने वाले काम है गुप्ता जी, आज फिर पिटोगे। ये बातें टीवी पे क्यों बोल रहा था हमेशा? यार आपका साथ मैं कैसे छोड़ूंगा बताओ, पर्सनल बातें घर में रखो। अब आप पिटोगे तो आपका साथ तो दूंगा ना मैं पिटने में, तो मैं भी पिट लूंगा यार आपके साथ। चलो कोई भाई भाई हम ये खत्म करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपको हमारी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।